सुबह के बज रहे हैं 7 और चिड़ियों की चहचहाहट से होती है हमारे दिन की शुरुआत। आप यही सोच रहे हैं ना कि ये इतने जल्दी कैसे उठ गया, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं एक बहुत खूबसूरत जगह, घुघरा वाटरफॉल। तो हमने जल्दी जल्दी नहाया, तैयार हुआ और अपना सामान पैक करके हो गए रेडी निकलने के लिए। प्रियम ने हमें अपनी कार से पिक किया और हम निकल गए अपने डेस्टिनेशन घुघरा फॉल्स की ओर। जो ये रास्ते थे, मानो ऐसा मन कर रहा था कि कभी खत्म ही ना हो। रास्तों में मिले हमें ऊंचे ऊंचे पहाड़, वादियां जिनको बस देखते ही रहो। शहर के शोर शराबे से दूर ये पर्वत, ये जगह मन को इतना सुकून पहुंचा रही थी कि उन्हें शब्दों में बयां नहीं कर सकते। इस खूबसूरत रास्ते की और सुंदरता देखने के लिए हमने अपनी कार साइड में लगाई और लिए ये शॉट्स। कुछ ड्रोन शॉट्स के बाद हमने अपनी ट्रिप कंटिन्यू की। और चलते चलते हमें मिली बारिश, जिसने खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए और बनाया ये सुंदर रेनबो। और करीब 2.5 घंटे के सफर के बाद हम पहुंच गए घुघरा वाटरफॉल्स। फिर हम चल दिए इस खूबसूरत झरने को नीचे से देखने के लिए। और नीचे जाने के लिए हमें करनी थी थोड़ी सी मेहनत। और मेहनत के बाद का जो नजारा था वो आप खुद देखिए। झरनों से इतना मधुर संगीत सुनाई न देता राहों में उनके अगर पत्थर न होते।
क्या हमारे प्रतीक आए थे, इनका ना ये फोन पानी में गीला हो गया है, अभी ये चावल ले रहे हैं और अभी चावल में थोड़े डुबो के रखेंगे जिससे इनका फोन सूख जाए, पानी निकल जाए। मनोज भाई आज घाटा लग गया, आज बहुत बहुत घाटा लग गया आज। और फिर प्रतीक भाई ने अपना फ़ोन बचाने के लिए 1 किलो चावल लिए और उसमें अपना फ़ोन डाल दिया। और इसी के साथ हमारी ट्रिप होती है एंड। आई होप यू एंजॉय द वीडियो। फॉर मोर व्लॉग्स सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।